आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं नेहा भटनागर। कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच भारतीय मूल के ब्रितानी डॉक्टर विदेश में रहते हुए भी भारत के मरीजों की जिंदगियां बचा रहे हैं। वीडियो कॉल के जरिए अपने अनुभवों का इस्तेमाल कर वो भारत के कई अस्पतालों में डॉक्टरों को सलाह दे रहे हैं और कोरोना के मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। इस ऑनलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रोफेसर पराग सिंघल ने की। देखिए बीबीसी संवाददाता गगन सभरवाल की रिपोर्ट। How is India? In this little grim year, struggling to cope up. So do you want to talk about the case? ये प्रोफेसर पराग सिंघल है जो कोविड की विशेषज्ञ है। मूल रूप से दिल्ली का निवासी पराग यूके में 160 वॉलंटियर डॉक्टरों में से एक है जो टेलीमेडिसिन परियोजना का एक हिस्सा है। ये परियोजना पराग ने शुरू की है ताकि कोविड के उपचार में अपने अनुभवों को साझा करके भारत में डॉक्टरों की सहायता की जा सके। Right now, I think you're right. यहाँ पराग डॉक्टर शैली चंदक के साथ कोविड पर अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं, जो भारत में नागपुर में मीलों दूर काम करती है। Really bad situation in my town. Daily basis, we are getting 6,000 plus positive patients. इस परियोजना पर लगभग 98% डॉक्टर भारतीय मूल के हैं, जो इन कठिन समय में अपनी मातृभूमि की सहायता करना चाहते हैं। जो रिमोट सेंटर्स में हेल्थ ऑफिसर्स काम कर रहे हैं वो काफी बिजी हैं। उसके अलावा जो हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट हैं वो काफी बिजी हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम अगर उन ऑफिसर्स को क्लिनिकल डिस्कशन करें केस का और उनकी हेल्प करें तो जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहिए वो घर पे मैनेज हो सकते हैं, और अगर हमने सही पेशेंट्स को घर पे मैनेज किया तो हॉस्पिटल का प्रेशर कम हो जाएगा। How many of those patients require ventilation? डॉक्टर विमी गोयल जो भारत में एक चिकित्सक है का कहना है कि वो पराग और यूके के डॉक्टरों से मिलने वाली मदद के लिए उनकी आभारी है। पराग सर ने अभी तक हमें बहुत अच्छे से बताया है। He has shared his own experience कि उन्होंने कैसे ये इस सिचुएशन में डील किया था। तो डॉक्टर पराग के सजेशंस अभी तक हमें बहुत हेल्पफुल हुए हैं फॉर मैनेजिंग द पेशेंट्स इन आवर वार्ड्स। परियोजना के कुछ डॉक्टर भारत में कोविड रोगियों के स्कैन की जांच करने में भी मदद कर रहे हैं। एचआरसीटी चेस ये स्कैन की उपयोगिता कोविड के रहते हुए काफी ज्यादा है। जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं ये मात्रा भी बढ़ रही है। हम लोग 250 पेशेंट के ऊपर 250 स्कैन के ऊपर रोज करते हैं। लगभग और 500 से अधिक यूके डॉक्टर्स इस परियोजना में शामिल हुए हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि एक साथ वे इन चुनौतीपूर्ण समय में भारत में अधिक मेडिक्स और अस्पतालों की मदद कर पाएंगे।